दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि हम अपनी लाइफ में आजकल इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने पेरेंट्स के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। तो कुछ पंक्तियाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अच्छा दिखने के लिए मत जियो, अच्छा बनने के लिए जियो। जो झुक सकता है वो पूरी दुनिया झुका सकता है। एक बूढ़ा बाप अपने IAS बेटे के चैम्बर में जाके उसके कंधे पे हाथ रख के पूछा कि बेटा, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली बंदा कौन है? तो बेटे ने थोड़ा मुस्कुरा के बोला, पिताजी मैं हूँ। बाप को बहुत ही धक्का लगा। उन्होंने सोचा था कि कितनी मेहनत से मैंने इसको IAS ऑफिसर बनाया, तो शायद ये मेरा नाम लेगा। तो वो चैम्बर से बाहर आने लग गए, बट दरवाजे तक पहुंच के फिर से मुड़ के उन्होंने पूछा कि बेटा, फिर से बताओ कि इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? बेटे ने फिर से मुस्कुरा के बोला, पिताजी आप हो। अब बूढ़े बाप चौंक गए। उन्होंने पूछा, अभी तो तुमने अपने आप को बोला था, अब मुझे बोल रहे हो? उस समय जब आपने मुझे पूछा, तब आपके हाथ मेरे कंधे पर था। तो आप बताइए, जिस बेटे के कंधे पे उसके बाप का हाथ हो, तो उससे शक्तिशाली और भाग्यशाली व्यक्ति कौन हो सकता है? इसलिए मैंने अपने आप को बोला। पिता की आंखों में आंसू आ गए, वो झट से गए और अपने बेटे को गले लगा लिया। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, चाहे वो व्हाट्सएप में हो, चाहे यूट्यूब में हो, किसी पे भी शेयर करिए, ताकि कुछ पंक्तियाँ हम उन लोगों को भी फॉरवर्ड कर सकें जो आज के लाइफ में सिर्फ पैसा कमाते हैं, रिश्ते नहीं कमा पाते हैं। चलते रहने से ही सफलता है, रुका हुआ पानी भी तो गंदा हो जाता है। मुसीबत सब पे आता है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। Oh, yeah.